यो व्हाट्स अप गाइस, दिस टॉक विद यू एंड यू आर वाचिंग माय डिस अदर। आज हम लोग आ चुके हैं वापस से सुपरमार्केट के एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज हमारा मिशन होने वाला है कि हम हमारे जो ये सुपरमार्केट है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें। जैसे कि ये एक ही शेल्फ है, इधर हमें इधर दो तीन प्लेस करना है, बट शेल्फ का प्राइस कुछ ज़्यादा ही महंगा है। जस्ट देख लीजिए, वेरी $200 का एक गिर रहा है। हमारे पास है टोटल $340, और हम अलग अलग टाइप के शेल्फ भी ले सकते हैं, जैसे कि बिग शेल्फ हो गया, फ्रिज हो गया, फ्रिज एच टीर भाई क्या क्या नाम है, फ्रीजर, रैक, बॉक्स, भाई कौन से भी टाइप के ले सकते हैं, बट बहुत प्राइस है। तो आज हम कैसे भी करके शेल्फ दो तीन शेल्फ खरीदेंगे। दो तीन शेल्फ मतलब बहुत हो गया भाई, क्योंकि हमारा आज सुपरमार्केट एक्सटेंड होने वाला है। इस साइड भी थोड़े से प्लेस करके, मतलब हम कैलकुलेट करें तो ये एक शेल्फ कितने ये ले रहा है, दो टाइल्स के बीच में आ रहे हैं ना, तो वन इधर से गिनते हैं, ये वन, ये टू, एंड इसको ये थर्ड एंड फोर्थ। चार लेने के लिए हमें चाहिए होगा टोटल $600, तो हमारे पास है $340। तो इसलिए फटेक से अपना दुकान ओपन कर देते हैं, जिससे कि हमारे कस्टमर फटेक से आ जाए और हमारे थोड़े से डॉलर बढ़ जाए, जिससे कि हम शेल्स खरीद सकते हैं। दीदी जी तो आ गई है मस्त सूट वूट में, और ये आंटी जी भी आ गई है, और यहाँ पे दोपहर हो चुकी है हमारी। मस्त से क्या नज़ारा दिख रहा है भाई, बीच बीच के सामने ही हमारा दुकान इतना बड़ा, और तो ऊपर का खुला नहीं है भाई, लेवल बढ़ानी पड़ेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ले भी लिया है इन लोग ने, फटेक से इधर से चेकआउट कर लेंगे। दीदी जी ने तेल लिया है $6 का, इसको अपना चेंज दे देते हैं वापस, 6.44। ये लो भाई, ये लीजिए $4। और आगे आप ब्रेड आ गए, हाँ ये ब्रेड मैंने मैंने क्या किया था भूल गया, हाँ ये ब्रेड मैंने अपने शायद से वो मैंने एक वीडियो बनाया था, पर उसमें जरा वॉइस मेरी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वो डिलीट कर दिया, उसकी वजह से मेरे ये सब बच गए थे ब्रेड। मैंने न्यू चीज़ ली थी, जैसे कि ये अभी इसे अंकल ने लिया, $0.68 ब्रो, व्हाट द हेक, मैं कम प्राइस कैसे हो गया भाई, 0.68, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, रुक तो। इस अबे यार, इसका तो प्राइस ही नहीं रखा मैं, अबे मत ले भाई, जो मैं लूट जाऊंगा भाई ऐसे तो, सर मैंने देखा ही नहीं, देखो ये देखो वैसे साले ऑयल का प्राइस वही रहेगा, मैं तो नहीं कम कर रहा हूँ भाई, सेट प्राइस फटेक से कर लेता हूँ $4। सर मैंने देखा नहीं उसको, 6 पॉइंट घाटा कर दिया मैं भाई, वैसे भी $600 लेने, आंटी जी आ गई है, ये देखो भाई इन लोग ने भाई $1 में दो खरीद लिया, $10 लूट लिया, वैसे भी ऑयल में मेरे पैसे वसूल हो चुके हैं, डरने की बात नहीं है वैसे। और आगे अभी इसने $4 ले लिया ना भाई बराबर से, ओके आप आ जाइए भैया जी, बॉडी वॉडी बनाए मेरे तो, जिम जाइए, $6 का लेंगे, ओके 50 सेंट्स एंड अनदर दिस, टोटल 8 लगेंगे ना, ओके ये डाल दिया हमने। और हमारी बूढ़ी अम्मा $0, मतलब हमें चेकआउट नहीं किया, सॉरी 0.44, ओके 10 10 10 ये लीजिए, और लीजिए ये भी लीजिए, अबे रीसेट कर दिया मैं गलती से, यार शिट, देख लीजिए ले ले, टैक्स वेस्ट नहीं करना है जरा भी, तो टैक्स हमें $400 तो हो गए हमारे पास, शेयर्स के हमारे को थोड़े से बढ़ाना पड़ेंगे $4, ओके फटाफट जाओ भाई, ऐसा लेना है तो ले भाई, तो भाग जाओ, मेरे को लग रहा है भाई हमारा घाटा होने वाला है, क्योंकि हम मैं अभी शायद से इसके थोड़े से प्राइस कम कर सकता हूँ हमारे ऑयल का। वो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन आ गए भाई, ओलंपिक खेल गया है क्या, ओलंपिक भाई ओलंपिक में तो भाई बहुत बुरा हो गया भाई, विनेश फोगाट के साथ भाई बहुत बुरा लगा, 100 ग्राम के लिए भाई, 100 ग्राम के लिए भाई, तू मत खाना भाई उतना हो,
और इतना भाई ऑयल मत यूज़ करना, नहीं तो तू भी अपना क्या बोलते फैट बढ़ा लेगा। समझ में आया क्या भाई? 57 भाई भाग गया ये तो। ओके नो थैंक्स, अगली सुबह करना पड़ेगी। हमारा इतना शेल्फ तो खाली हो चुका है। इतने ओपन गए हमारे पास टोटली $414। मतलब एक शेल्फ आ जाएगा और साथ में उसमें मैं कुछ आइटम्स भी ऐड कर सकता हूँ। अटैक से पहले स्किप टू मॉर्निंग कर लेते। ओके मॉर्निंग हो चुके है। ये हमारी प्यारी सा सूरज जो इतने फटेक से ऊपर जा रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है मेरे को। और हमारा डे 5 ही चालू हो गया भाई। भाई डे ये टाइम जा रहा है क्या मस्करी भाई? इतना फटाफट टाइम जाता है ये गेम में भाई। रिपेयर हो चुके हैं भाई इतने गंदे। और हमारे पहले कस्टमर आ चुके हैं अगले दिन के साथ। ओके भाई जाइए। अबे तू इधर खड़ी है क्या भाई? आ जाइए, $1 देना है। ओके ले लीजिए। अरे पास्ता का प्राइस इतना कैसे हो गया? मैंने तो बराबर रखा है सब। $0.44 भाई, रहने दो भाई। तुम लोग क्या यार लेने आ जाता हो बार बार। अरे बहुत दे दिए, बहुत दे दिए। रुक 1 2 3 तो मैं कर रहा हूँ गड़बड़ी। अबे आई एम नूब। हट यार, मैं गड़बड़ी नहीं करना था मेरे को। $0.44 ओके आ जाइए, $5 ले लीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग। ओ भैया जी आप भी आ गए, थैंक यू फॉर कमिंग। अनदर वन 17.2 भाई, 12 ओके हो गए। और ये हमारी बूढ़ी अम्मा जी आ गई है लेने, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाले सीधे। ओके चेकआउट सक्सेसफुल। और अंकल जी आप अब आपकी ऑयल लेके आ गए इधर, तो आ जाइए फटेक से। $6.56 ओके नॉट अ प्रॉब्लम लीजिए। अबे ये तो देख के ही भाग गया। चलो किस दो ही बचे हैं। ये $4 तो बराबर सेट है भाई, मार्केट प्राइस तो बहुत। अरे भाई ये क्यों आ गया? वो वापस से आ गए थे तो पूरा ही ले लिया। ओके थैंक यू पूरा लेने के लिए। अंकल जी कुछ नहीं बचा है, मंगाना पड़ेगा पूरा सामान मेरे को। अरे घ्यू मेरे $2 करने में उसको पूरे के पूरे दे रहा हूँ। ओके चेकआउट सक्सेसफुल पूरे के पूरे हमारे। अरे भाई साहब इतने जल्दी, शाम भी हो चुकी है भाई साहब इतने जल्दी यार, ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? क्लोज कर देंगे। और थोड़े से हम अभी सामान मंगाना पड़ेगा। रुको एक एक बॉक्स मेरे पास पड़ा है वैसे, इसको लगा देते हैं। शुगर रहेगा टॉप पे। इतने बच्चे हमारे पास। ओके थ्रो नहीं करना था भाई, हमें किधर डाल दिए? क्या हो जा, इसको डालेंगे हम डस्टबिन में क्योंकि हमें करना है स्वच्छ भारत मिशन। इसको कर देंगे क्लोज। अरे क्लोज ही। ओके भी कुछ काम धंधे पे लगते हैं, इसको लगते हैं हम कुछ मंगा लेते हैं, हमारे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फटाक से। शेल्स तो नहीं मंगाना पड़ेगा मेरे को, थोड़े से आइटम्स मंगाने पड़ेगा अपने स्टोर के लिए। फर्नीचर्स नहीं प्रोडक्ट्स में भाई। ओके लॉकड है सब। राइस ब्रेड बनाऊँगा एक, सभी एक 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 बना लूँगा बॉक्स। आ जाओ। ओके टोटल $120 का आया है सामान, बाय कर लेंगे। वो शायद से हमारे पास बचे $300, तो एक शेल्फ भी बाय कर लेता हूँ। लगे हाथ, एड टू कार्ड, बाय बाय। ओके ऑर्डर कंप्लीट, अभी हमारे ऑर्डर आ जाएंगे थोड़ी देर में। चल पटेक से गिर भाई। नेक्स्ट डिलीवरी भाई इधर टाइम दिया भाई, हमारे पास टोटल स्पीड अप कर देंगे भाई। पैकेज डिलीवर्ड। ओके हमारा पहला डिलीवरी आ गया है, इसको करेंगे ओपन और हमारे ब्रेड को लगा देंगे सेकंड नंबर की इस पे। अरे थर्ड पे चला गया, ट्रिक हो जा भाई, सेकंड पे रखना है मेरे को। बहुत आते हैं भाई ब्रेड में, बहुत ही भाई अपना क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रॉफिट है। लॉस करके इधर साइड में इसको थ्रो कर देंगे, तब रख देंगे। और हमारी डिलीवरी अभी 3 2 1, ये हमारी फास्ट टैग डिलीवरी गिरी नीचे। ओके आ जाओ इधर से ओपन। नेक्स्ट हमें जाना है इधर। ये क्या है? हाँ आपका शुगर ही लगता है, तो हाँ शुगर ही प्लेस कर दूँगा इधर, सब प्लेस हो जाओ। ओके क्लोज करके इसको रख देंगे हम साइड में थ्रो। ए ठीक से दे, इसको हमें पूरा का पूरा ठीक से ऐसे रखना पड़ा। अरे क्लोज क्या हो रहा है भाई, थ्रो भाई।
इसको भी वैसे, और ये थ्रो। ओके भी हमारी नेक्स्ट डिलीवरी आएगी और वापस से आ चुकी है। ऑयल आया है अभी, इस बार ऑयल आया है, इसको भी प्लेस कर देंगे फटेक से। अभी अभी ये ऑप्शन आ क्या कर रहे हैं, ओपन है, सॉरी ओपन करने भूल गया था मैं तो। प्लेस 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 प्लेस। ओके खाली, क्या हमारा पूरा पूरा डब्बा खाली हो चुका है। काउंट फोर, रुक देखने दे। ए ओपन हो, भाई देखना है मेरे को तो कुछ बचा है इसके अंदर। हाँ बचे हैं, बचे बचे भाई, इसको क्लोज करके साइड में रख देंगे। थ्रो ओके ओके, इसका कुछ करना पड़ेगा मेरे को, ये इसको साइड में किधर रखना पड़ेगा। मेरे पास 90 स्पीड अप बचे तो मैं यूज़ कर लेता है फटक से, हमें डिलीवरी फास्ट चाहिए। ओके ओपन कर लेंगे और इसको लगा देंगे लास्ट पे। वो भी लग जा भाई, ऑल आर सेट एंड ओनली रिमेनिंग थिंग इज अवर शेल्फ। एक और शेल्फ आ रहा है और उसमें भी टाइम है, क्यों ना और 5 यूज़ करा जाए। तो हम 5 हमारे स्पीड अप यूज़ कर देंगे। अबे 6 सेकंड था, मैं खाली फुट का यूज़ कर दिया, इसको स्पीड अप कर लेंगे। ओके बाय अ न्यू लाइसेंस, अबे लाइसेंस बाय करना पड़ेगा भाई, उधर आ भी गया। अबे डोर मत बंद हो भाई, चलो पहले हमारे शेल्फ को लेके जाते हैं इधर से। ये हमने अबे लेफ्ट हैंड में अकेले नहीं पकड़ा है क्या, इसको हम प्लेस करेंगे थोड़ा सा इधर। अबे रोटेट 45 डिग्री, ओके थोड़ा सा पीछे जा। ओके परफेक्ट ही आ रहा है ना भाई, मेरे को ठीक से लग नहीं रहा है। हाँ ओके, 2 हो गए हमारे शेल्फ, 1 और आ गए। इसमें भी थोड़े से हमारे आइटम्स रखने पड़ेंगे। ओके हमारे पैकेज डिलीवर तो हो गए, इसको लगेंगे फर्स्ट नंबर के इस पे, न्यू इसके नीचे भाई। क्लोज ओके, भाई क्लोज नहीं, पहले देखना है मेरे को कुछ बचा है क्या। ना ना तो इसको थ्रो कर देंगे भाई, नहीं भाई स्वच्छ भारत मिशन भाई। सो ओके नेक्स्ट, भाई मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी अलग रह गई है मेरे को भी। ये क्या मंगा लिया था मैं मालूम। अबे तू इधर आ, तू उधर कहाँ जा रहा है। अरे प्लेस नहीं, टेक 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 भाई, टेक टेक ओके एक हो जा। सेकंड नंबर पे जाएंगे, प्लेस 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 प्लेस। ओके सब प्लेस हो चुका है क्या। हाँ ओके, इसको भी थ्रो करके देखेंगे इसमें कुछ बचा है कि नहीं। हाँ एम्प्टी है, कि इसको भी थ्रो करके आ जाएंगे डस्टबिन में। ये हो गया डस्टबिन में थ्रो, तो थोड़ी मेहनत करके मैं आप सबसे मिलता हूँ 2 मिनट में। A few moments later. So guys, आधे घंटे की मेहनत के बाद हमने टोटली कमा लिए $859.94। तो हम अभी हमारे कुछ न्यू शेल्फ बाय कर लेते हैं, क्यों अभी पूरा पूरा खाली कर चुका हूँ मैं। आधे घंटे की मेहनत लगी है मेरे को टोटल। फटाक से पीसी पे जाते हैं और हम थोड़े से बाय कर लेते हैं हमारे चीज़ें। जस्ट पहले फर्नीचर शेल्फ बाई कर लेंगे, 2 आ चुके हैं। विद बाय टोटल कॉस्ट हमें प्लाई वाउचर भी कर सकते, पर ऐड देखना पड़ेगा, पर मैं नहीं देखने वाला। तो हमारे पास अभी बचे $459। तो अब और हम कुछ बाई कर रहे हैं, कुछ आइटम ही बाई कर लेंगे जैसे कि हमारा पूरा स्टोर बच जाए। $400 तो आ चुके हैं, क्वान्टिटी हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं, 2 बॉक्स आ जाएंगे। 1 2 फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी बाई कर लेंगे, फिर उसमें क्वांटिटी बढ़ा देंगे। और हमें ये लॉक खोलना है, जिससे मेरे को मैनेज में जाके खोलना पड़ेगा हमें। तो हमने पूरे के पूरे हमें इतने सारे आइटम बाई कर लिए, जिसे अभी ऐप करके बाई करना पड़ेगा। क्या बोल रहा मुझे नहीं पता भाई। तो ये हमारा पूरा शेल्फ खाली हो चुका है, अभी हमारा नेक्स्ट शेल्फ आए कि नहीं आ रहे। फॉर नेक्स्ट डिलीवरी 210, हमारा पहला शेल्फ आ चुका है। दोनों आए गए कि एक ही आया भाई, एक ही आए। अबे इतने 2 आए, एक उधर गिरा है। इसके 45 डिग्री रोटेट करेंगे 3 बार टैक करके, थोड़ा साइड में ऐसे ही प्लेस करेंगे थोड़ा सा गैप। ओके एंड प्लेस, एक और प्लेस कर लिया है हमने, अभी इसको भी लेके चलते हैं। ओके इसको भी 45 डिग्री रोटेट, थोड़ा सा एस्थेटिक दिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे रखूँगा, क्योंकि
इस साइड रखता हूँ, रुको। हाँ इस साइड रखूँगा मैं। अबे 5 डिग्री मत हो। अबे यार शिट। ओके ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा इसको चिपका के रखना पड़ेगा इतना बस। और ये हमारा चुका प्लेस। तो हमारे टोटली इतने सारे शेल्फ हो चुके हैं, 4 शेल्स लगा दिए। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे हम ये स्टोरेज रूम खोलने की, जो कि अभी लॉक्ड है, डोर लॉक्ड। इसको खोलने की ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई विल बी बैक सून। तब तक के लिए स्टे ट्यून।